हेलो फ्रेंड्स, टेक्स उमू हरियाणा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एडजस्टेबल मोबाइल होल्डर बनाएंगे जिसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 10 रुपीज़। तो दोस्तों, आपका 10 रुपीज़ भी नहीं लगेगा इसमें, ये पीवीसी सीट का टुकड़ा बच जाता है, आज इसी का बनाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो डायमेंशन है मैंने प्रॉपरली नहीं लिया है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इसके बाद में ये छोटे छोटे दो मैं लूँगा स्टैंड टाइप, तो इसको दोस्तों मैं फेविक्विक की सहायता से यहाँ चिपका लूँगा और बीच में हमको थोड़ा सा गैप रखना है। तो दोस्तों, आपको ग्लूगन से नहीं चिपकाना, फेविक्विक से चिपकाना है। तो देखिए, इस टाइप से दोस्तों ये बराबर एक दूसरे के सामने हमको लगाना है। और देखिए, जो बीच का गैप है बहुत ही कम रखना आपने इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों, ये जो मैंने निशान लगा रखे, इसका साइड साइड वाला मैं काट दूंगा। और दोस्तों, इसके बाद जो ड्रिल मशीन से हमने इसके बीच में एक छेद निकाल लिया है, और दोस्तों ये इस टाइप से थोड़ा वर्क करेगा एडजस्टेबल। तो एडजस्ट आप इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद में देखिए, जो ये है इसको मैं काट लेता हूँ। और दोस्तों देखिए, काटने के बाद अब इसको मैं जो साइड का जो कॉर्नर है वे मोड़ दूंगा। तो मैं आयरन की सहायता से इसको थोड़ा हल्का हल्का हीट करके इसको मैं मोड़ देता हूँ, अंदर की तरफ बैंड कर देंगे। तो दोस्तों, इस टाइप से आप इसको घर में बना सकते हो। अगर आप मार्केट में लेके आते हो तो दोस्तों 200-250 रुपये का मिलेगा। तो देखिए, ये घर में पाइप की जो छोटे सीट बनती है, तो दोस्तों उससे बची हुई सीटों से ही मैंने इसको बनाया है। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको ये दोनों कॉर्नर को और बैंड कर लेना है, ताकि आपका मोबाइल इसके अंदर अच्छे से बैठ सके और हिले डुले ना। तो दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों देखिए, जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम बैंड कर लेंगे, और इसको तोड़ना नहीं है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, और फाइल से हम इसको फिनिशिंग दे देंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये एक पार्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी जो पीछे का हिस्सा, ये हमको इस टाइप से यहाँ फेविक्विक से चिपका लेना है, और इसमें फेविक्विक का यूज़ करना। तो देखिए, मैंने निशान लगा लिया है, अभी मैं ड्रिल से इसको इसके अंदर छेद कर लेंगे, ताकि जो पीछे का जो पार्ट है हमारा इसके अंदर अच्छे से बैठ सके। और देखिए, मैंने इसको बराबर कर लिया है घिस के, और फेविक्विक से चिपका लिया है। तो दोस्तों, अब येलो कलर है तो मैं इसमें येलो कलर करूँगा, ताकि और यूनिक लगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें येलो कलर कर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और देखिए, ये किस टाइप से वर्क करता है, थोड़ा एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये दोस्तों देखिए, जो ये स्टैंड है इसके अंदर मैंने छेद निकाला है, और इसके अंदर दो छेद हैं। तो इस दोनों छेद को आप अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें एक स्क्रू लगा सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद में देखिए, ये घर में जो स्विच होता है उसका स्क्रू है, और मैं इसके अंदर ये स्क्रू को लगा दूंगा। और दोस्तों, स्क्रू लगाने के बाद जो इसका साइड में से जो होता है वासर, वो हम इसके अंदर टाइट कर देंगे। और दोस्तों, आपने स्क्रू ड्राइवर से इतना ही टाइट करना है, नहीं फिर ज़्यादा टाइट करोगे तो ये क्रैक भी हो सकता है, लेकिन वैसे अनब्रेकेबल है, आपके हाथ में से गिर जाता तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इस टाइप से आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हो इसको। दोस्तों आप ये देखिए, जो ये स्क्रू है इसके ऊपर हम हल्का सा ग्लू लगा देंगे, ताकि ये आगे पीछे ना डुले। तो दोस्तों, अभी इसमें जो मोबाइल है आप इसको सीधा भी रख सकते हो, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस टाइप से आप मोबाइल रख के इसको एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर इसको आपको टेढ़ा फोन रखना है तो देख रख सकते हो, या कि आप कोई वीडियो बना रहे हो या शॉर्ट बना रहे हो, कोई भी वीडियो कर सकते हो। तो इस टाइप का जो ये गैजेट है बहुत ही यूनिक है। पीछे इसमें डबल साइड टेप कुछ इस टाइप का लगा के आप दीवार में माउंट कर सकते हैं, जैसे आप बिजली के बोर्ड के पास, तो इसमें मोबाइल भी आसानी से चार्ज में लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये गैजेट कैसा है मेरे को आप बताना, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, एक ये देखिए आपने, मैंने इसके अंदर केबल लगाया है अभी चार्जिंग का। तो दोस्तों, अगर हम किसी के साथ में इसको रखेंगे तो ये केबल हमारा बैंड होगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये जो है, देखिए मैंने रोटेट करके दिखाया आपको कि दोनों डायरेक्शन में फ़ोन को आप अच्छे से रख सकते हो इसके अंदर, और पूरा वर्केबल है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।